हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो आज है सोमवार का दिन, आप सबको हर हर महादेव। और सोमवार की आज अष्टमी भी है गाइस। और जो कथा सुनते हैं वो जानते ही होंगे आज के बारे में, आज पद्म मिश्रा के उपाय के बारे में। तो बहुत अच्छा दिन है गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान शिव की पूजा करके आए हैं, अभी मंदिर से ही आए हैं गाइस। आपको पता ही है मैं डेली भगवान शिव पे जाती हूँ और पूजा करके आती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग वेट लॉस कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि दीदी कर रहे हैं, किसी का हो रहा है, किसी से नहीं हो पा रहा है 32 बार। तो काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास कि दीदी नहीं हो पा रहा, क्या करें क्या नहीं। देखो, करना आपको ही पड़ेगा, मैं कितना ही बता लूँ आपको, क्यों नहीं हो रहा आपसे। पता है आपका मन ही नहीं है कि हम फिट दिखें, अच्छे कपड़े पहने, मस्त रहें, हम बीमारियों से पीछा छूटे, स्वस्थ रहें। क्यों? आपका मन जब तक अंदर से नहीं होगा ना मुझे कि वेट लॉस करना है, जब तक आपका मन नहीं करेगा। वीडियो देख के आप सोच देते हो कि मैं कितना बोलूं, मेरे बोलने से थोड़ी आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा, सुन के अंदर उतारना पड़ेगा, तब होगा। देखो आज मैं बताती हूँ आपको, वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन होना, अंदर से उस आपको जागृत करना कि मुझे वेट लॉस करना है, करना है, करना है। और तब 32 बार अपने आप हो जाएगा। वही है कि जब तक आपका आप ये नहीं चाहोगे कि मुझे करना है करना, तब तक नहीं होगा। एक बार अंदर उस चीज़ को बिठा के देखो। देखो एक कमेंट था ऐसा कि दीदी मुझे 3 दिन हो गए मैं 32 बार करते हुए, सो आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो देखो उसको 3 दिन में ही खुशी मिल गई। 1, 2, 3, 3 दिन कितने से होते हैं, 3 दिन में उसको खुशी मिल गई। जब आप शुरू कर दोगे ना, आपको भी ऐसे ही खुशियाँ मिलती जाएंगी, ऐसे ही मन करता जाएगा। 3 दिन हो गए, अब 4th दिन, आज 5वां दिन, रिजल्ट इतना जल्दी मिलता है 32 बार से बहुत ज़्यादा। एक बार आप करके देखो, अजमा के देखो। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, 32 बार ऐसा है। तो आपको करना पड़ेगा ये। बहुत सारे कमेंट है कि दीदी आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए रोज वीडियो देखा करो और बोला करो और कमेंट करके बताया करो मुझे कि दीदी ऐसे हुआ आज, हमने ऐसे खाया, ये पिया, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम बताएंगे दीदी को ये खा पिया, और मैं फिर आपको रिप्लाई करूँगी तो बहुत खुशी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं रिप्लाई करती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है उनको कि दीदी आपका रिप्लाई ज़रूर आता है। तो ऐसे ही लगे रहो 32 बार के साथ और अपना मनचाहा वेट लॉस करते रहो। और यही बात दिमाग में ठान लो कि सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट होना है। और चलो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। मम्मी बना रही है कानू जी के लिए खाना, और ना के मम्मी मंदिर गई थी। और आज कमेंट करना कि मेरी मम्मी कैसी लग रही है, क्योंकि मम्मी को पहनाया है आज पेंट वाला सूट, जो मेरा है ये, आप जानते ही होंगे। राधे राधे, तो राम राम। मैं खाना बनाया है अभी लड्डू गोपाल के लिए, वो लगा के आ रही हूँ, वो अभी मंदिर से आए हैं। तो गाइस अभी करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और गाइस मैं डेली है ना अपनी 5 किलोमीटर की वॉक कर रही हूँ, मुझे बताती है ये घड़ी जो मनु की है, और इसमें पूरा आ जाता है कि कितना किलोमीटर चली मैं। और ये आप फोन में भी अपने में कर सकते हो डाउनलोड, पता चल जाएगा कि आप कितनी वॉक कर चुके हो। इससे भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे काफ़ी फर्क दिखने लग गया मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, और मैं ऐसे लग रहा है कि फिट हो गई फिर से। थोड़ा सा मोटापा आया था मेरा, कमेंट भी आने लगे थे कि दीदी थोड़ा से मोटे लगने लगेगा, मुझे फिर से वही हल्कापन लग रहा है। ये देखिए वही चीज़ आ रही है अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से पतली होती जा रही हूँ। तो गाइस मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट तैयार, अमरूद, संतरा और 5 बादाम लिए हैं। तो ये रहेगा आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो आ जाओ गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट अपना। और कमेंट था कि दीदी क्या घर का सिंपल खाना खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप जो भी खाए चबा चबा के खाना उस चीज़ को, लेकिन फ्रूट आपकी इच्छा पे है, आप लेना चाहो तो। मैं तो ये कहूँगी एक फ्रूट तो लिया ही करो, जो पैसे बचत कर करके दबा के रखे ना उनको निकाल लो, कुछ नहीं जाना साथ में, कुछ नहीं, अपना ध्यान रखा करो, थोड़ा बहुत खाया पिया करो, फ्रूट वगैरह भी अपनी सेहत के लिए। अपन फिट हैं तो सब कुछ अपने हिट दिखेगा, ठीक है। खा लिया गुड़?
देखो गाइस, नंदू शरारत कर रहा है फुल मस्ती में आज। नंदू तू पूरा गिराएगा बाइक को, जा। तो गाइस मम्मी बना रही है अब लंच, आ गए हैं खाना खाने। क्या कल निकाल लूंगी, अभी तो मैं फ्रूटी खाई हूँ। तो सब्जी बन गई है गाइस, देखते हैं क्या बनाई है। और अभी बना रही रोटी आटा, अलग अलग रखना। तो गाइस मैं बना रही हूँ थोड़ा सा रायता गाजर का, तो बहुत मन हो रहा है गाजर का, छाछ आ गई है। और सब्जी बनी है आलू गोभी मटर मिक्स, और मम्मी बना रही है रोटियां। और तो गाइस मैंने लगा लिया है अभी अपना लंच। सब्जी बनाई है मम्मी ने, रायता बनाया है मैंने, रोटियां एक रोटी ली है और सब्जी मिक्स है गोभी मटर और आलू, और ये है मेरी रायता। मैं बहुत खुश हूँ, मम्मा तो दिला नहीं रही थी, पापा जी ने दिला दिया और माँ जी ने। अब मैं जाऊँगा इसके साथ खेलने, चौके छक्के मारूंगा। और मैं ले आई हूँ अपनी ग्रीन टी गाइस, ये देखिए। और ये इतना जिद कर रहा है ना, बोल रहा है मम्मा नहीं दिला रही थी। इतना खतरनाक लड़का ये, आपको पता क्या क्या लेता है। दूर होके दिखा अपना पूरा लुक। और ये देखिए गाइस, जूते मैंने साफ किए इसके, और बात फोड़ता इतनी बड़ी बड़ी। जूते कैसा ये है, इतनी बारी बैठा ये, तेरे से रुक जाएगी गाइस। देखो मेरे हाइट पे तो ये ही सूट करती है। हाइट पे सूट क्या, तेरे से उठ तो नहीं रही, तेरे से ज्यादा वजन है इसमें। बैगन अरे नहीं अरे है। A few moments later. तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ दूध लेने, मैं और भाभी जी। हमने गाय का, देसी गाय का दूध मिल गया, जो मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी। भाभी जी ढूंढ गए मेरे लिए, और दो तीन दिन से मैं वही दूध लेके आ रही हूँ। तो अच्छा भी लग रहा है चाय में भी, और मैं पी भी सकती हूँ गाइस। गाय का दूध काफ़ी रोगों का नाश करता है, और बहुत अच्छा है दूध गाय का। तो वो दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ से लेके आती हूँ, उधर वॉक करने जाते हैं ना उधर ही है। मम्मी बोल रही थी मैं ले आती हूँ, लेकिन मम्मी सिर धो रही थी अभी। देखिए गाइस हम कितनी दूर आ चुके हैं खेतों में, और इधर मकान उनके, हमारे से थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन दूध बहुत अच्छा मिल गया। हाँ वॉक की वॉक हो जाए और दूध का दूध लेना हो जाए। तो ऐसे लगता है यहाँ पे तो इधर साइड तो जैसे गांव में हूँ, पूरा वो है, यह हमसे दूर है, लेकिन आ जाते हैं वॉक करते करते। और वो मकान है दूध वालों का, ये रहा। चल भाभी जल्दी जल्दी भाग, देखो भाभी कितनी तेज चलती है। सुबह भी आती है भाभी, तो दो बार आती है, और एक बार सुबह एक बार शाम को। और आपको दिखाऊंगी उस आंटी ने इतना अच्छा कर रखा है खेती बाड़ी घर में ही, उस साइड में दिखाऊंगी आपको। मस्त मजा आया था, मैंने कल मैं आई थी ना, अच्छा लगा था। देखिए ये मकान आंटी का, और इधर देखो कितना अच्छा कर रखा है खेती वेती, ये देखो। दादी राम राम। ना फोटो कौन बढ़ाऊं, आ जाओ। ये बोले कि दादी काम करती है बहुत सारा, मैं भी देखूं कौन सी दादी है इतना काम करती हो। काम कर लो आप, काम कर लो। और पैसों को आप बोलो मारवाड़ी में तो बाट राम दी। देख लिया दादी तो काम ही गुणा कर, देखियो काम कर लूं जाए बाट राम जो बाट वे जो और पानी पाज जो उनके बा। सही है दादी, इतना काम कर लो आप। काम कर लो
ये आपकी बहू है? मैं दूध लेके अभी आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं वॉक करने। मम्मी ने अभी सिर धोया है और बाल सूख गए इनके, तो आज मम्मी देखो मुझे कितनी अच्छी लग रही है। और मम्मी बोल रही है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, देखो अच्छी लग रही है ना, बताना इनको पूरी घूम घूम जा, ये देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही। को मिलवाती हूँ मैं मेरे आदू से। आदू क्या खा रहा है, क्या खा रहा बता, दिखा ऐसे बोल हेलो गाइस। आई होप आप अच्छे होंगे। नुको वीडियो को लाइक किया करो, बोल सब्सक्राइब भी किया करो। क्या बात है आदि, आदि तो मैगी खा रहा है। वाह वेरी गुड, किसने बनाई मैगी? अच्छा मम्मी जी ने बनाई थी। हाँ। सही बात है भाई, बुआ जी को नहीं खिलाएगा? बस मैं नहीं खा रही, खा ले तू, तू खा जा, खा के दिखा कैसे खाते हैं मैगी, खा के दिखा बुआ जी को, ऐसे बता गाइस को यम्मी बनी है गाइस, यम्मी बनी है गाइस। बाय बाय बोल दे अब, बाय बाय। तो अभी वॉक से आए थे गाइस, तो मैं सीधा आ गई आदि को मिलने, इसने ऊपर से आवाज लगाई कि बुआ जी आ जाओ, तो अभी वो करके सीधा मैं इधर ही आ गई हूँ। और मम्मी और भाभी बैठे हैं अंदर बातें कर रहे हैं और मुझे आता है आदि के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा खेलने में, और मुझे सबसे अच्छा बच्चों में लगता है गाइस, बड़ों में नहीं। हाँ तो गाइस मम्मी इसका सुन रही है क्वेश्चन आंसर, स्कूल रिंगर सीकर विषय अवकाश आने के संबंध में पत्र महोदय सविनय नरम निवेदन है। मेरा आ गया है डिनर और मैं मशीन पे बैठी हूँ, तो मम्मी बना रही है खाना, तो वही खाना है गाइस जो मैंने लंच किया था, अपने लिए अलग से नहीं बनाया क्योंकि मैंने सूट तैयार करना है जल्दी से, वो तैयार कर रही हूँ मैं। एक तो कर दिया है ये देखिए, और इधर ही खाना भेज दिया मम्मी ने, और मैंने छोटे छोटे बाइट कर लिए इसके, और चबा चबा खाऊँगी, पहले खाना खाऊँगी फिर सी लूँगी सूट। मनु भी खा रहा है इधर खाना। गाइस अभी बज चुके हैं 10 और मैं सिल रही थी सूट, कंप्लीट हो गया मेरा पूरा, और मन्नू से बनवा ली है मैंने अपनी ग्रीन टी, ये बैठे दोनों तो ये बनवा लिया गाइस ग्रीन टी, और मेरे पास ही बैठे थे, मैं जब तक सूट सिल रही थी सूट भी सिल गया और बातें भी हो गई। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, और अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय गाइस, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।